तो व्हाट्सअप एवन कैसे हो सारे उपसो सारे के सारे बड़े होने होंगे तो हम बना देंगे तुम बढ़िया। सो फाइनली आ चुके हैं हम लोग एक और रिएक्शन के साथ वापस इन हाउ वी गन रिएक्ट टू चेक मेट ऑफ एमी वे। भाई ठीक है, हमारा वन ऑफ द फेवरेट रैपर है और करंटली कुछ भी नया नहीं आ रहा है देसी हिप हॉप में। तो मैं सोच तो रहा था कुछ ना कुछ रिविजिट कर लूँ, जैसे कि कोई बीफ सीन या कुछ भी। तो तुमको किसी का रिविजिट चाहिए तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और मैं पाकिस्तान सीरीज भी निकालने की सोच रहा हूँ, बट स्टिल अगर तुम्हें रिविजिट चाहिए तो रिविजिट पहले कर लेंगे। तो अभी मेरे को याद है कि हाँ यार, मेरे को पहले बहुत पहले डीएम भी किया था सब्सक्राइबर्स ने एंड कमेंट सेक्शन में भी स्पैम किया था। जो चेकमेट गाना है एमवीवे का वो प्रॉपरली नेपाल में शूट हुआ हुआ है, मे बी काठमांडू है ये। और दूसरी बात, एमवीवे 2019 में शो के लिए गया था वहाँ पे और दो तीन इंटरव्यू भी दिए थे शायद, कुछ मेरे को इंस्टाग्राम पर दिखा तो था। तो वहाँ पर ये शूट किया गया है, रिकॉर्डेड इंडिया में है और शूटेड नेपाल में है। और एक और चीज़ तुमको नहीं पता, तो इस गाने के ऊपर तुम्हारे भाई का एक डांस वीडियो भी है। तो कमेंट सेक्शन में मैं फर्स्ट वर्स लिंक दे दूंगा, अगर जिसको चेक करना है जाके चेक कर सकते हो। तो तभी मैंने कोरियोग्राफ किया था 2 साल पहले, कुछ 30-40 सेकेंड्स ध्यान से सुना होगा ऐसे, पर प्रॉपरली पूरा गाना कभी बैठ के सुना नहीं है और वीडियो तो कभी देखा ही नहीं, क्योंकि स्पॉटीफाई से हम लोग कोरियोग्राफ करते थे। तो जाते हैं गाने के अंदर, पता लगाते हैं, पुरानी आदत ताज़ा करते हैं और बस अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आ जाओ और 10K पहुंचाओ यार तुम्हारे भाई को, सब लोग मिलके। लेट्स गो माय बॉय। ओए ट्रांजिशंस देख रहे हो तुम? ये जो अभी रिसेंटली दिखा वो कोई वैली थी मेरे ख्याल से, एक बहुत ब्यूटीफुल वैली भी है यार वहां पे नेपाल में, मेरे को प्रॉपरली उसका नाम याद नहीं आ रहा है, पर बहुत जने वहां घूमे हुए मेरे दोस्त लोग। नहीं वो नहीं थी मेरे ख्याल से। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खाया पिया पिल्लर। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर। सारे होमीज का यहाँ पे वीडियो दिखाया गया और उसने जैसे कॉर्न टॉयज के कॉर्न कॉर्न बोल रहा हूँ, कॉर्न बनाना मेरे घर में, वो मुंह पे आ गया, कॉइन टॉस किया तो कॉइन भी बाहर आया। भाई ट्रांसिशन जिसने वीडियो एडिट किया है भाई, बिग शॉट आउट टू द वीडियो एडिटर। लेट्स गो। घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर। लाइफ इज इजी, समझने की देरी है, नहीं समझा तो समझ ले जिंदगी तेरी लेरी है। बाकी बोल बच्चन राग रतन देने वाले बहुत, बटन अपन बहुत हार्ड बोले, केक के ऊपर चेरी है। बट आई एम लाइक अ चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक। भाई भाई लाइक सबसे मतलब बहुत लोग हैं करने वाले, बट स्टिल पूरा केक है तुम्हारे पास, बट सबसे पहले ध्यान तुम्हारा चेरी पे जाता है ना, सब लोग चेरी के उठा के खाने खाने भागते हैं। तो ही वॉज लाइक कि भाई मतलब मैं वो चीज़ हूँ तो चमकता है सबके बीच में से। माँ जी बोल बच्चन राग रतन देने वाले बहुत, बटन अपुन बहुत हार्ड बोले, केक के ऊपर चेरी है, देख के ऊपर चेरी है, अपुन खिला रहे आम पब्लिक खिला रही केरी है। बोले आपूस और तू है कापूस और तू है जासूस, मेरे काम का मेरे मुंह का को लगने का है तुमको खाम का, नाचे क्यों पब्लिक पूछे जाके, मेरा गाना था डीजे डेक पे, पब्लिक फुल फंका तीन टेक पे ना। भाई पब्लिक क्यों नाच रही, मतलब मेरा गाना बज रहा था वहां पे। असला आपू नहीं जीतेंगे बोले चेकमेट। हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले, लाइफ में। पहली बात तो मैं गाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, सबसे पहली बात तो ऊपर जिसके लिए आए हैं यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस है पीछे, तो मतलब दिमाग देख रहे हो उस बंदे का, उसने कितनी सही प्लेस चुनी है शूट करने के लिए। लोग यूके वूके चले जाते हैं, यूएस वूएस चले जाते हैं, एटलांटा चले जाते हैं, पर भाई ये कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है नेपाल की प्लेस भी। हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर। जाने वाले बहुत, थोड़े बहुत हेटर्स, उनकी क्या गलती, वो मेरे नाम से फेमस हो रहे, ले तो ऊपर वाले के नाम पे भीख में दिया मैं फेम, मैं बना रहा गाना और ये अगले बेटे खेले गेम। ये जब भी ऐसे ऐसी चीज आती है ना यार, तो मुझे पता नहीं क्यों किसी की याद आ जाती है। एक तो ये लोग इतना बीफ सीन करके बैठे होते हैं ना यार। वाले के नाम पे भीख में दिया मैं फेम, मैं बना रहा गाना और ये अगले बेटे खेले गेम। मेरा नेम जिधर जिधर उधर उधर व्यूज, दिमाग को खराब करेगा मत देखो न्यूज, बेटा सपने में जूस पी के लेटा हूँ मैं, मस्ती नहीं करना खुदा आके मेरे बस्ती में, रस्सी से बांधूंगा मैं तुझे सद्दी से। ये बेस्ट पार्ट लगता है, मैंने मेरे को याद है जब हम लोग कोरियोग्राफ कर रहे थे तो इस पार्ट में मैं इतना नाचता था भाई, मतलब लिटरली भाई, मतलब खतरनाक तरीके से।
मैं शायद फ्री स्टाइल कर रहा होता था इस जगह पे। तो तुम ध्यान से, अगर तुमको मज़े लेने ना, मेरा वीडियो भी तुम देखना इसके बाद, ये रिएक्शन एंड होने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा ना, वहाँ पे तुम एंड तक देखना उस वीडियो का। हम लोग लिटरली शूट खत्म होने के बाद इस गाने पे कुत्ते की तरह नाचते थे भाई। दिमाग को खराब करेगा मत देखो न्यूज़ बेटा, सपने में जूस पी के लेटा हूँ मैं, मस्ती नहीं करना खुदा आके मेरे बस्ती में, रस्सी से बांधूंगा मैं तुझे सद्दी से, मेरे गाने नहीं चलते है बेटा दारू लड़की गड्डी से, दिवाली। इस पे बहुत सारे मीम्स बने थे भाई ये वाली लाइन पे, क्योंकि ले फिर फ्यूचर वाले गानों में लाइक लड़की भी थी और यू नो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ था। तो मतलब ये वाली लाइन पे बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी कि, बट इट्स ओके यार, मतलब ठीक है यार, ठीक है यार, मतलब उनके पीछे मैनेजमेंट टीम होती है तो वो भी बहुत चीज़ें लाती है, अकेले आर्टिस्ट का कुछ नहीं होता है। तो लेट इट बी, गाना एंजॉय करो। चलते हैं बेटा दारू लड़की गड्डी से, दिवाली में देने वाला बेटा बख्शीश में, लेकिन पहले खुश कर दूं कुत्तों को हड्डी से। हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर। हो भाई, यही तो पहचान है नेपाल की भाई, लिटरली। मतलब देख के, मतलब बहुत ज्यादा वो लगता है, क्या बोलते हैं उस वो वर्ड मेरा याद नहीं आ रहा है, बहुत ही पुश्तैनी, मतलब बोलते ना कि बहुत सदियों से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा मंदिर भी बहुत वो लगते हैं मेरे को, बहुत सदियों के पहले के मंदिर नहीं होते थे एकदम, तो वैसा एकदम फील आता है। और ऐसे मंदिर यहाँ तुम्हें कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे मेरे ख्याल से, बहुत ही यूनिक टाइप का डिज़ाइन होता है बहुत चीज़ों में नेपाल में। तो हड्डी से, हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा दिस गाय भाई, दिस गाय। किया फिलर, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेटा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर। बड़ा हुआ बड़ी सोच तो बना ले तेरे आसपास चुगल। मैं बस पूरे गाने में ये सोचे जा रहा हूँ कि यू नो लॉट ऑफ गाइस यू नो स्टेट की भाई लिरिसिज्म में कृष्णा ज्यादा अच्छा है, मतलब मैं कोई बीफ सीन नहीं चाहता हूँ, और किसी चीज में और कोई अच्छा होता है, फिर किसी और चीज़ में स्क्रैचेस में रफ्तार ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये जो चीज़ें होती है ना, मतलब पर इस बंदे की जैसे कैमरा प्रेजेंस और जो बीट में इसको कोई टक्कर नहीं दे सकता, मतलब कमर्शली कमर्शली जो बीट्स ऐसे बजती है जिस पे पब्लिक नाचती है भाई, वो एमिवे के सिवा कोई नहीं बना सकता। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ही इज़ नॉट अ हार्ड कोर रैपर, मतलब जैसे मतलब लिरिसिज्म वाइज बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाता है, बट जो भी करता है ना भाई, इस जैसा कोई नहीं है भाई। ठीक है, सबकी एक अलग पहचान होती है। एंड देखो यार, मतलब देर आर अ लॉट ऑफ रैपर्स, बट इफ ही इज़ ऑन द टॉप, तो अब मैं तुमको ये बोलना चाहता हूँ कि अब मतलब ये कैसा बंदा है पता है, इसको अपन लोग तो सुनते ही, जो हिप हॉप लिसनर्स है वो लोग तो सुनते ही है, स्टिल ये उन लोगों के तरफ ज़्यादा फेमस है जो रैप नहीं भी सुनते, समझे, वो भी इसका गाना सुन के ईजीली नाच पड़ेंगे, तो मतलब इसमें वो पोटेंशियल है यार, मतलब बढ़िया है यार। किया बेटा खड़ा किया पिल्लर, बड़ा हुआ बड़ी सोच तो बना ले तेरे आसपास चुगलखोर दोस्त तो बना ले, ये कहते हैं ये हिप हॉप चला रहे सारे मिलके हमको पागल बना रहे ये मीम भाई, ये मीम वो आंटी का, ये कहते हैं ये हिप हॉप चला रहे सारे मिलके हमको पागल बना रहे पागल बना रहे तो बनने का नहीं, शिक्षा मिल रहा जिसको उसको बेटा पढ़ने का नहीं, पढ़ ले पहले बाप से आके लड़ने का नहीं, गलत रास्ते को चुन के आगे बढ़ने का नहीं, तेरी सोच है खोट पहले दिखता नोट, म्यूजिक बनाते साले करे प्रमोट, फिर भी रिमोट तेरे भाई के हाथ में, आजा पिक्चर दिखाऊंगा तू बैठ जा साथ में। लॉट ऑफ गाइस से कि ये सामने जो राइवल रिकॉर्ड्स था, शायद कलमकार था मेरे ख्याल से, नाम रिवील नहीं करने चाहिए यहाँ पे, बट स्टिल मेरे ख्याल से उनकी तरफ ये शॉर्ट था, क्योंकि म्यूज़िक प्रमोट तो वही लोग करते हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट स्टिल वो यही बोल रहे कि मतलब बहुत सारे लोग हैं मेरे राइवल में जो म्यूज़िक प्रमोट करते हैं, फिर भी रिमोट तेरे भाई के हाथ में, मैं बिना प्रमोशन के गानों को मिलियन में ट्रेंड में ले आता हूँ, और नेपाल में भी बंदे के गाने ट्रेंड कर देते हो, तुम समझ रहे हो, मैं लिटरली देख रहा था इसके शो में कितने बंदे आए थे नेपाल से, तुम देखना खाली इसका शो का क्लिप देखना तुम। बनाते साले करे प्रमोट, फिर भी रिमोट तेरे भाई के हाथ में, आजा पिक्चर दिखाऊंगा तू बैठ जा साथ में, बैठो भाई। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर। हाँ, ट्रांसिशन सा लिट भाई।
ओहो भाई यार, मैं वही सोच रहा हूँ कि ये क्यों नहीं ऐसे वीडियोस अभी रिसेंटली ला रहा है, ऐसे एडिटिंग। भाई इसके पास पैसों की क्या कमी है यार, आप लगाओ पैसे, ऐसे ऐसा एडिटिंग कुछ करवाओ यार, लिटरली। मतलब देखने में, मतलब हर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए। गाना तो इंटरेस्टिंग था ही, वो तो मैं मानता हूँ। नीचे एक बंदे ने कमेंट किया है कि एडिटर कौन सा इफेक्ट डालूँ, एमी वे सारे सब डाल दे भाई। वही तो बात है ना, नेक्स्ट लेवल सॉन्ग, नेक्स्ट लेवल एडिटिंग। भाई एडिटिंग की बहुत तारीफ हो रही, ठीक है। तो वही सीन है, मतलब यार हर एक, मतलब एक सीरीज़ में होता है ना कि यार तुमको डायलॉग्स तो पसंद आती है पर विजुअल्स भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आई फील कि भाई तुम्हें एडिटिंग में थोड़ा ऐसा और करना चाहिए। मतलब अभी रिसेंट वाले गानों में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे। रियल एमी वे इज़ बैक, किलर एडिटिंग। वही तो बात है भाई। और आई थिंक सो पीछे बैकग्राउंड भी बहुत कमाल के थे। मतलब भैंचो फ़ोन कहाँ से बज रहा है? इतनी होती है ना कंपनी, इतनी होती है ना, क्या बोलो तुमको कंपनी के बारे में। पूरा दिन मेरे को ही फ़ोन करती है, इनकी गर्लफ्रेंड हूँ मैं। तो वही सीन है यार, मतलब एडिटिंग यार, अभी ऐसी एडिटिंग चाहिए। मतलब पीछे जो बैकग्राउंड जो सपोर्ट कर रहा था ना, वैसा, मतलब एडिटिंग करने में कोई बड़ी बात नहीं, पर पीछे जो उसके बिल्डिंग्स बनी हुई थी और ट्रांसिशन जैसे हुए, एक ऐसे था जहाँ पे साधु बाबा बैठे हुए थे तो उसके बाजू में भी लाइटनिंग्स कर दी थी। मतलब बहुत बहुत कैडी एडिटिंग भाई, मतलब मैं वही बोलूँगा। तो मज़ा आया यार, गाना सुन के मज़ा आया। तो डैट वॉज माई रिविजिट। बाकी और भी गानों का रिएक्शन चाहिए, रिविजिट चाहिए, तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताना कि कैसा लगा तुमको रिएक्शन, और सब्सक्राइब कर दो, नए आए हो तो लाइक कर दो वीडियो को। और बस मिलते तुमसे किसी और अच्छे रिएक्शन, तो स्टे सेफ, वेयर मास्क, टेक केयर। और हाँ, ये कमेंट करके बताना कि कितने लोग इंडिया से देख रहे हैं और कितने लोग नेपाल से देख रहे हैं। लेट्स गो भाई, ठीक है, मिलते। हुआ मैं तो ये गेमों का खेल के टिकटॉक और चूतियों की गाना हम पहले थे। गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेबलेट, हल्का समझते अब कहता हूँ चेक में। स्कूल में तो लिखता रहे बुक थी क्लास में, दिखते ही दिखते हैं गुम हो गए बैच में। ढूंके मिले फ्रॉम द पीपल हु वर फेक, एम11 विद वुमन और अ स्नेक। अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक, इमेजिनेशन में किया था बेक।